देखो क्या कह रहा है, त्रिज्या दे रखी है कितनी, 4.2 सेमी दे रखी है। 4.2 सेमी वाले एक धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाला बेलन के रूप में क्या किया जाता है, ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये सब कन्वर्ट कर रहे, कन्वर्ट ठीक है, यानी कि ये गोला है लोहे का, ठीक है, उसको पिघलाकर हम किस में बदल रहे हैं, इस बेलन में बदल रहे हैं। तुमने उसको लोहार वगैरह इनको तो देखा ही होगा, है ना, तो लोहे को दोच दोच के ये मतलब पीट पीट के, है ना, क्या कर देते हैं, दूसरे किसी आकार में दे देते हैं। वैसा ही क्या है कि इसको कैसे भी करके क्या किया जाता है, या पिघला करके इसमें किया जाता है, इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, देखा होगा तुमने कहीं ना कहीं, है ना, जैसे किसी भी चीज को पिघला कर दूसरी चीज में बदल दिया। ठीक है, हाँ, तो लेकिन आयतन तो क्या है, बराबर ही है ना, अगर मैं वजन की बात करूं तो बराबर ही है ना। अरे हमको इसको मतलब आकृति चेंज की है ना, बाकी तो है तो वही, ठीक है, बाहर जितना है उतना ही रहेगा। और आयतन की बात करो तो अंदर अंदर का जितनी जगह है ना, जितना बाहर था उसका उतना ही ये रहेगा। ठीक है, मतलब इसका जितना आयतन है उतना ही किसका रहेगा, इसका रहेगा, बेलन का रहेगा। ठीक है, तो आयतन क्या रहेंगे, इनके समान रहेंगे, बराबर रहेंगे, बराबर रहेंगे ना। हाँ, तो वैसे ही मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो पहले तो क्या कर लेते हैं अपन, त्रिज्या लिख लेते हैं। ठीक है, त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ये तो किसकी दे रखी है, बेलन की, ठीक है, बेलन की त्रिज्या है ना, बेलन की त्रिज्या। ठीक है, और गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की, गोले की त्रिज्या कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर है गोले की त्रिज्या। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना था कि इस गोले से इसमें बदलना है सिर्फ, ठीक है, और ये पूछ रहा क्या है कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो जब आयतन बराबर है तो हम क्या कर देंगे, आयतनों को बराबर कर देंगे, मतलब जितना आयतन इसका है उतना ही आयतन इसका रहेगा। ठीक है, अंदर वाली आयतन क्या होता है, अंदर की जगह, अंदर जितनी जगह है, जितना भार है ना, जितना वजन है इसका उतना ही किसका होगा, इस वाले का होगा। ठीक है, मतलब जितना गोले का है उतना ही किसका होगा, बेलन का है। अगर ये दोनों बराबर है, इनका आयतन बराबर है, तो मैं इसका जो भार आएगा, ठीक है, मतलब जितना कितना भी आ रहा है, ठीक है, वो हो जाएगा, और बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो लेकिन पाई आर स्क्वायर और इस भाई साहब का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये क्या होता है, गोले का आयतन होता है। देखो आर की जरूरत है तो आर इससे निकल जाएगा, लेकिन इसके पास भी आर है, और क्या बच रहा है, एच, यानी कि जो एच को छोड़ के बाकी जो सब है उसका क्या कर देंगे, इसमें भाग लगा देंगे, ऊंचाई आ जाएगी, मतलब सारा सब कुछ बरोबर है ना, ऊंचाई से भी गुणा करेंगे तब जाके उसका बरोबर आएगा ना। तो लेकिन जो बच रहा है उसको इसके नीचे भाग दे देंगे, एच आ जाएगा। देखो कैसे करना है वो देखते हैं। देखो क्या क्या कह रहा हूं मैं, कि इन दोनों को बराबर कर दूं, ठीक है, बराबर करो, यानी कि गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर है किसके, बेलन के ठीक है, यानी गोले का आयतन बराबर है किसके, बेलन के आयतन के। ठीक है, ये दोनों क्या है, इनका आयतन बराबर है, देखो पिघला कर दूसरे में बदल रहा है सिर्फ, ठीक है, बाकी बार बार तो वो सब रहेगा लेकिन आकृति बदल जाएगी, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, तो देखो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और बेलन का आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, आगे देखो, देखो अब अपने को क्या क्या दे रखा था, 4/3 है ना,
या फिर ऐसे करो ना, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर का इधर भाग दे दो, है ना। लेकिन आर अलग अलग है ना इनकी, देखो। अच्छा ऐसे में कर, ऐसे करो क्या, मैं देखो ऐसे कर लेते हैं अपन, क्या करते हैं पाई से पाई को हटा देते हैं, पाई सेम है दोनों में ही, है ना, आर आर बच जाएगा। आर आर का देख लेते हैं, आर आर का क्या सिस्टम है, देखो आर क्यूब, आर कौन सी है, पहले तो क्या लिखा था, गोला, और गोले की त्रिज्या कितनी है, 4.3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, देखो क्यूब है तो तीन बार लिखेंगे, ठीक है। इधर क्या बचा, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना था, 6, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, अच्छा स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में तो दो ही लिखेंगे दो बार, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा, एच, एच था तो एच तो निकालनी ही है अपने को, है ना, तो एच की जगह तो एच रखेंगे ही। अच्छा अब देखो बाकी का तो इधर दे लेते भाग, यानी कि 4/3, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, देखो पॉइंट हटा लेते हैं, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 10, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा। अब देखो काट के देख लेते हैं, तीन से कट रहा है क्या, ये तीन से कट रहा है, तीन का लगा के देख लो, 3 7 21 है ना, 14 42 है ना, 14 से कट रहा है, ये कट गया। अब देखो 10 से भी वैसे तो कट रहा है ना, पर पूरा पूरा नीचे कट रहा, ठीक है, तो इसलिए रहने दो इसको तो अभी तो, है ना, तो ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, 4 × 14 × 42 × 42, ठीक है, बटे 10 × 10 × 10 बराबर कितना है, 6 × 6 × h। अब देखो अपन ने तो सिर्फ ये काम किया, अब देखो 6 × 6 इसके गुणा में आ रहे हैं, तो 6 × 6 का भी क्या कर लेते हैं, इधर भाग लगा देते हैं, देखो भिन्न है, भिन्न में क्या जाएगा, नीचे आएगा, है ना, तो h बराबर क्या हो जाएगा, या इधर देख लो, 4 × 14 × 42 × 10 × 10 × 6 × 6 इधर आ जाएगा ना, तो 6 × 6 बराबर में क्या बच जाएगा, इधर H बच जाएगा, है ना, क्या बच गया है, इधर H बच जाएगा। अब देखो 6 से भी ये कट रहा है, कट रहा है क्या, देखो काटो, 6 7 42, 6 7 42 होता है, ठीक है, और अब 10 से काटने की जरूरत नहीं है, पहले ये कर लेते हैं, ठीक है, है ना, देखो 7 × 7 = 49 होता है, 49 × 4 कर लो, या 14 × 14 = 56 होता है, तो 56 × 7 7 = 49 बटे नीचे कितना आ जाएगा, 1000, ठीक है, ये क्या आ जाएगी इसकी ऊंचाई। अब देखो ये गुणा कर लेते हैं अपन, ठीक है, 56 × 49 करके देखोगे तो कितना हो जाएगा, 56 × 49 करके देख लो एक बार, 9 6 54, 54 × 4 हंसा लगी, 5, 9 × 5 से करो, 9 × 5 = 45, 45 × 5 कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। अब 4 से कर लो, 4 6 = 24, 24 × 4 हंसा लगी 2, और 4 × 5 से करोगे तो 5 × 20 है ना, 20 × 2 = 22। अब देखो इधर क्या बचा, 4 × 4 और 5 6 7 और ये 2, यानी कि कितना जाएगा, 27 44, है ना, तो 27 44 बटे 1 2 3 0 यानी 1000, ठीक है, बराबर एच, इसको सही लिख लो, चलो
ठीक है। हाँ, अब देखो जब भी नीचे मतलब ए दो 27 से 44 में 1000 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? या तो अलग ऐसे लगा लो, भाग लगा लो, या फिर क्या होता है ये, यानी कि नीचे जितनी जीरो होती है उतनी संख्या छोड़ के ऊपर बिंदु लगा देते हैं, तो 3 जीरो है तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 3 संख्या छोड़ के यहाँ लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा? एच बरोबर, यानी कि 2.744, यानी 3 संख्या छोड़ के लगा दी ना पॉइंट, नीचे 3 जीरो थी, ठीक है, ये पूरा भाग लग गया, ये क्या आ जाएगा? एच, ठीक है, तो हमारा एच कितना आ गया? 2.744, या फिर ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो कि एच बरोबर 2.744, और यही क्या है? अपना आंसर है, ठीक है, ये अपना आंसर है, ठीक। ये हो गया, ठीक है, इसको काट लो, रफ कार्य किया जिसका। अच्छा, पहला क्वेश्चन हो गया, देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, देखो क्रम से दे रखा है, क्रम से 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी त्रिज्या वाले एक धातु के ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो छोटे छोटे गोले हैं, देख एक तो 6 सेमी का, एक 8 सेमी का, एक 10 सेमी का, ठीक है, एक 6 का, 8 का और 10 का, यानी छोटे छोटे गोले हैं, उनसे एक बड़ा गोला बनाना, ठीक है, जैसे तुमने लड्डू बनाए होंगे, हैं, जैसे लड्डू बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक छोटा बड़ा होता है ना, बड़ा है ना, तो सभी को गठमट करके यानी कि पूरा का एक बड़ा लड्डू बना लिया, तो वो पूछ रहा है कि जो बड़ा वाला लड्डू बना है ना, तो उस बड़े वाले लड्डू की त्रिज्या क्या है, ठीक है, तो पहले तो गोला बना लेते हैं, ठीक है। हाँ देखो, एक तो 6 सेमी का है और एक 8 सेमी का है और एक 10 सेमी का, ठीक है, इन तीनों से, इन तीनों को मिलाकर क्या करना है, अपने को एक बड़ा गोला बनाना है, ठीक है, बड़ा कौन सा हो जाएगा? बस रे, है ना, ये वाला गोला हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, इन तीनों को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि तीनों को अगर मिलाया जाए तो ये बड़ा वाला गोला मिलेगा, ठीक है, इनकी त्रिज्या लिख लेता हूँ मैं, पहले तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं पेन में, है ना, देखो ठीक है, अब लिखो इसकी कितनी है? 6 सेमी, ठीक है, यह तो माएगा नहीं है, अलग पेन से लिख लेते हैं, कितना? 6 सेमी का है और ये 8 सेमी का है और ये कितना है? 10 सेमी का है, ठीक है, और इससे कोई त्रिज्या बन रही है, यानी इस गोले की त्रिज्या, यानी कि सभी को मिलाकर ठोस बनाया जाता है ना गोला, तो इससे जो बन रहा है, इन तीनों को मिलाकर जो बना है अपने पास ये गोला, तो इसकी क्या करनी है अपने को? इसकी त्रिज्या निकालनी है, तो हमको पता तो नहीं है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या ये आर है, बड़ा आर है, ठीक है, ठीक है, बड़े गोले की त्रिज्या बड़ा आर। अब देखो है ना, यह लिख लेता हूँ मैं, इसको R1 मान लेता हूँ, छोटे वाले को R2, इसको इसको R3 मान लेता हूँ, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? R1 कितनी है? 6 सेमी और
आर टू कितनी है अपनी 8 सेमी, ठीक है, और आर थ्री कितनी है अपनी 10 सेमी है ना, कितनी है 10 सेमी है, और बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है आर है, ठीक है ना। देखो देखो क्या करना है अपने को, यानी कि इनका आयतन क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि तीनों छोटे गोले को, यानी तीन छोटे गोले गोलों को मिलाकर क्या निकाल बना रहे अपन, बड़ा गोला बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा त्रिज्या वाले धातु के है ना, तो क्या लिखोगे, ये लिख लो भाई आर वन त्रिज्या का गोला, ठीक है ना, आर वन त्रिज्या का गोले का आयतन प्लस आर टू त्रिज्या का गोले का आयतन गोले का आयतन प्लस आर थ्री त्रिज्या के गोले का आयतन, इसमें ही भर गया रे पूरा ही। ठीक है बरोबर, क्या हो जाएगा बड़े गोले का, ठीक है हाँ, आर त्रिज्या के गोले का आयतन, ठीक है, किसके बराबर है ये तीनों का आयतन मिलाकर क्या बढ़ा रहे हैं, आर त्रिज्या की गोले का आयतन, यानी कि ये आर त्रिज्या का बड़ा गोला है, बड़ा गोला बना है, ठीक है, या फिर बड़े गोले का आयतन, ठीक है, ठीक। देखो इनका, देखो सारे गोले हैं और गोले का आयतन होता क्या है, क्या होता है गोले का आयतन, 4/3। एक मिनट, चार बटे तीन पाई आर वन है ना, आर वन का क्यूब प्लस 4/3 पाई आर टू का क्यूब प्लस आर थ्री का क्या हो जाएगा, 4/3 पाई पाई आर थ्री का क्यूब, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा इस आर त्रिज्या वाले गोले के आयतन के बराबर, यानी कि इस बड़े वाले त्रिज्या का गोला का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई बड़ा आर का क्यूब, ठीक है, हो जाएगा इसके बराबर। अब देखो हमको 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई सेम दिख रहा है, कॉमन ले लो, यानी कि 4/3 पाई को कॉमन लिया तो क्या बच गया अंदर, आर वन का क्यूब प्लस आर टू का क्यूब
आर टू का क्यूब प्लस आर थ्री का क्यूब, इधर से तो ये बच जाएगा, और इधर से क्या है, इधर का लिख देते हैं, इधर भी हमको क्या दिख रहा है, चार बटे तीन पाई बड़ा आर का क्यूब, ठीक है। अब देखो, चार बटे तीन पाई आर और चार बटे तीन पाई आर गया क्या, हाँ, तो इधर से क्या बच गया, क्या बच गया, इधर से, इधर से बचा हमारे पास आर वन का क्यूब, क्या बचा, आर वन का क्यूब प्लस और आर टू का क्यूब प्लस आर थ्री का क्यूब, और इधर से क्या बचा, बड़े आर का क्यूब बच गया। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, आर वन कितनी थी, आर वन कितनी थी अपनी, इधर देख लो, छः आठ दस है, ठीक है, हाँ, तो कितना हो जाएगा, छः का क्यूब, ठीक है, प्लस आठ का क्यूब, ठीक है, और आगे दस का क्यूब बराबर आर थ्री है, इसका पता नहीं है, यही तो निकालनी है ना, तो इसका क्यूब। अब देखो क्यूब निकालना है, उससे पहले तो देखो इन सभी का क्यूब लिख लेते हैं, उनको जोड़ेंगे फिर क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ना पड़ेगा पहले क्यूब निकाल के, फिर उस संख्या का क्यूब निकालना पड़ेगा, तब जाके उसका क्यूब निकलेगा, आर निकलेगा, ठीक है। ऐसे नहीं उठा सकते भाई, तीन से इस सब की तीन गई, है ना, ऐसा नहीं जाएगा। हाँ, तो निकालो छः का क्यूब कितना होता है, याद, हाँ ऐसे जाता भी नहीं है, ठीक है, हाँ देखो छः का क्यूब कितना होता है, हाँ छः का क्यूब 216 होता है क्या, हाँ, और आठ का क्यूब पता है तुम्हें कितना, 512 होता है, और 10 का तो सबको ही पता होगा कितना होता है, 1000 होता है, बराबर बड़े आर का क्यूब, ठीक है। चलो जोड़ के बताओ, देखो जोड़ो, 5 और 2 छह दो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 और 1 2 और 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 है ना, और 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, जुड़ गया बराबर बड़े आर का क्यूब, ठीक है, क्यूब है तो इस पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट में कैसे, घन वाला, ठीक है, घन कैसा करते हैं, घन कैसा करते हैं, या फिर इसका हम क्या कर सकते हैं, यानी कि किस संख्या का घन होता है वो निकाल के तीन से तीन घटा देंगे, या फिर अंडर रूट तीन, ये तीन इधर आएगा तो क्या लगेगा, कैसे होगा, देखो मैं इधर ऐसे लिख लेता हूँ इसको, आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर यहाँ पर क्या आ जाएगा, तीन आ जाएगा, और यहाँ 1728 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट को इधर चेंज बड़ा लगाते हैं ना, तो किस में आता है, अंडर रूट लग के इधर तीन आता है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, एक के बटे में आती है वो संख्या, ठीक है, एक के बटे में। तो देखो देखो कैसे आ जाएगा, आर बरोबर यानी कि 1728 का एक बटा तीन, यानी कि ये क्यूब निकलेगा। अब देखो ये किस संख्या का क्यूब होता है वो निकालते हैं, यानी कि घनमूल निकाल लेते हैं डायरेक्ट ही, ठीक है, है ना, अच्छा किसका होता है ये 1728, 12 का क्यूब होता है, तो इसको ऐसे लिख ले क्या, 12 का क्यूब, और इसके बाहर क्या है, एक बटे तीन, ठीक है, तो एक बटे तीन क्या हो जाएगा, तीन से गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 12 फिर इसकी घात कितनी है, 3 इंटू 1/3 है, देखो आगे
तो क्या हो जाएगा, तीन से तीन गुणा होकर कितना आ जाएगा, एक, यानी क्या हो जाएगा, 12 की घात 1 आ जाएगा, ये 12 की घात 1 क्या होता है, 12 ही होता है, तो आर कितनी आ जाएगी।